खबर तराना से। विधायक महेश परमार के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गुज्जर ने 150 जरूरतमंद परिवारों को किए भोजन के पैकेट वितरित। अपने सेवा कार्य और लगातार सक्रियता से लोगों के दिलों में अपनी अलग ही पहचान बनाने वाले विधायक महेश परमार और उनकी पूरी टीम निरंतर कोरोना काल में जनहित और मानव सहयोग के काम करते हुए दिखाई दे रही है। इस कड़ी में 20 मई को विधायक महेश परमार के जन्मदिन के अवसर पर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में नगर के 150 जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। युवा कांग्रेस पूरे देश में इस समय लगातार अपनी सेवा दे रही है। इसी कड़ी में तराना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र गुज्जर ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए विधायक महेश परमार के जन्मदिन के उपलक्ष में नगर के जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट बांटकर सहायता की और अलग ही मिसाल पेश की। इस अवसर पर गुर्जर ने कहा कि हमारे क्षेत्र के विधायक लगातार अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर जनसेवा के कार्य कर रहे हैं। वह आमजन को ऑक्सीजन, बेड, जरूरी दवाइयाँ, खाद्य सामग्री जरूरतमंदों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ जरूरतमंद साथियों को भोजन वितरित किया है और परमेश्वर से यह कामना की है कि विधायक जी सदैव ऐसे ही स्वस्थ रहकर मानव सेवा से कार्य करते रहे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गजराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस सचिव संजय यादव, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बरोड़, शेख यासीन, शेख कामिल सहित अन्य युवा साथियों ने विधायक को शुभकामनाएं दी देते हुए धर्मेंद्र गुर्जर के कार्य की सराहना की। संवाददाता सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। आज मेरे नेता और इस क्षेत्र के लोकप्रिय जाबाज विधायक माननीय महेश परमार जी का जन्मदिन है। माननीय विधायक जी हमेशा नर सेवा, नारायण सेवा में अपना विश्वास रखते हैं। उन्हीं को से प्रेरित होकर आज मैंने यहाँ पर उनके जन्मदिन के अवसर पर कोविड सेंटर के बाहर जो हमारे कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके परिजनों को यहाँ पर भोजन वितरित किया है और लगभग तराना के 150 परिवारों तक युवा कांग्रेस के माध्यम से आज हम भोजन पहुँचाने का कार्य करेंगे। और भगवान परमात्मा से मैं आज के अवसर पर यही विनती करता हूँ कि माननीय विधायक जी हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और ऐसे ही जन सेवा करते रहें।